एनी टाइम सबसे पहले याद होंगे और लंबे टाइम तक याद होंगे। और संस्कृत के जो सूत्र हैं, पतंजलि हो या भगवद गीता के श्लोक हो, ये याद करते टाइम जो आपको बैकग्राउंड मिलेगा, तो आपके योग दर्शन जिनके लिए वो अगर टफ भी होगा, और जो टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर्स आपके योग दर्शन की क्लासेस ले भी रहे होंगे, अगर इस चैंटिंग को आप प्रिसाइसली वेरी क्लियरली लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से इसका संधि विच्छेद करके अर्थ समझ में आ जाएगा। तो इसको, चैंटिंग को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। जैसे जैसे आप चैंटिंग करते जाएंगे और जो भी टीचर्स, फैकल्टी आपको योग दर्शन पढ़ा रही हैं, आप दोनों रिलेट करेंगे, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो इसी कोशिश के साथ मैं पूरी, मतलब अपने एफर्ट्स दूंगी कि आपके लिए चैंटिंग सूत्र, बड़े बड़े वर्ड्स हैं जो इसमें, वो कोशिश करूं आपके लिए बहुत इजी रहे। बट 1 घंटे की क्लास की जगह अगर डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, प्रिसाइज और एग्जैक्ट क्लास हम मिलकर बना सकते हैं। और डेली इसको मोनोटोनस नहीं करने की बजाय मैं कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करती रहूंगी। सरप्राइज चैंटिंग के लिए अनाउंस करना, ग्रुप चैंटिंग करना, जो भी रहेगा, फॉर फर्स्ट वीक हम स्लोली स्लोली एक्सेप्ट करेंगे कि क्या है क्लास, कैसे करना है। तो आप सबका कोऑपरेशन मुझे बहुत लगेगा। ओनली द रिक्वेस्ट कि आप माइक ऑन करके बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, 100% प्रॉब्लम जाएगी। आखिरी का जो टाइम रहेगा हम उसे लेंगे, और आपको जिस भी सूत्र में डिफिकल्टी आएगी बोलने में, मैं आपसे ही बुलवाऊंगी और आप ही को बोलूंगी कि आप मुझे पढ़ाएं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए हूं ही नहीं, बस ये भूल जाइए। तो हम एक दूसरे को पढ़ाने के लिए हैं यहाँ पर। दैट्स इट। तो राहुल सर, एज पर योर परमिशन, वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। यस मैम, यू कैन मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके, तो योग दर्शन का अगर आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को ऑलरेडी एक छोटा सा बैकग्राउंड पता होगा, समाधि पान, साधन पान, और उसके बाद हमारा विभूति और कैवल्य। अगर इसको एक शॉर्ट में हम देखें, तो चारों एक पेड़ से रिलेटेड है। अगर समाधि पाद को अपन समझ लेंगे कि ये रूट्स हैं, उसके बाद साधन पाद जो है वह है उसकी स्टेम, उसके बाद थर्ड है विभूति जिसको हम कहते हैं उसकी लीव्स, और उसके बाद जो है फोर्थ है कैवल्य जो है उसका फ्रूट्स। तो अगर इन सारी चीजों को आप माइंड में रखेंगे और सारे साधन पाद जो भी है कैवल्य तक चलेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि समाधि पाद मीन्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, समाधि मतलब हमें वृंदावन जाना है, योग इज इक्वल टू व्हाट, समाधि, एंड दर्शन इज इक्वल टू जीवात्मा से आत्मा का साक्षात्कार। तो योग दर्शन मीन्स समाधि का हम साक्षात्कार कैसे करें। तो उसके जो चार तरीके हमें बताए हैं, वो चारों पाद में बहुत अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ जाना है हमें, वृंदावन, दैट इज समाधि। जाना कहाँ है, जो डेस्टिनेशन है हमें वहां जाना है। उसके बाद वो डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सिटी का नाम बता दिया, वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचना कैसे है, तो वो हमें मिलेगा किसमें, साधन पाद में। साधन पाद समझने के बाद हमको क्या मिलेगा, उसकी लीव्स, विभूतियां। और जब हम तीनों को प्राप्त कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या प्राप्त होगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स इज कैवल्य। तो इन चारों पाद को इतना सिस्टमेटिकली जब अरेंज किया है, तो आज हम उसकी फर्स्ट पाद लेंगे, दैट इज समाधि पाद। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके सामने, आपको सूत्र दिखेंगे। आपके पास पीडीएफ होगा या बुक भी होगी, तो आप उसे निकाल लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, और उसको अगर आपको टिक करना हो, डिवाइड करना हो सूत्र को, तो वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट। सर, स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है आपको सूत्र? जी मैम, प्रेजेंट स्क्रीन पर। ओके, आप सबको समाधि पाद दिख रहा है? आप कंफर्टेबल हैं, आपको सबको दिख रहा है स्क्रीन पर समाधि पाद के सूत्र? नो मैम, अभी तो मैम नहीं नहीं, शोर अभी दिख तो नहीं रहा आ मैम, सकती। उसके पहले आया था वो। हाँ दिख रहा है मैम। दिख रहा है आपको साधन पाद के शिवलोक जी, आपको दिख रहे हैं समाधि पाद? नो मैम, नहीं दिख रहा। मैम नो अभी मैम, पीडीएफ चली थी, अभी आ रही थी। नहीं मैम, स्क्रीन बस दिख रहा है, उसमें वो नहीं दिख रहा। ओके,
अभी दिख रहा है? जी मैम। समाधि पाद, ये सबसे फर्स्ट योग सूत्र का पाद है और इसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। अच्छा दीदी, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे ना तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा ऊपर प्लस का साइन है ना। हाँ हाँ उसी में, हाँ थोड़ा प्लस से इसको जूम किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है, अब रिकॉर्डिंग वाले अच्छे से देख पाएंगे इसको। जी अब वहां ड्रो से पेन भी ले सकते हो आप, ड्रो है ना जहाँ पे लेफ्ट साइड में। ठीक है अभी सर, और जूम कर दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, ड्रो है ना जो ड्रो साइड में लिखा हुआ टॉप लेफ्ट पे। जी यहाँ से पेन ले लीजिए रेड कलर का, उससे आप उसको मार्क कर सकते हो जहां से आप पढ़ा रहे हो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो पहला हमारा सर एक बार मैं रिकॉर्डिंग चालू कर लूँ। रिकॉर्डिंग मैंने लगा दिया, आप कल से कर लेना, मैंने आज लगा दिया। ठीक, अथ योगानुशासनम। पहला अथ योगा अनुशासनम, तो पहला जो हमारा सूत्र है उसमें ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अथ, इसको अथ ही पढ़िएगा, अथ नहीं, क्यों? क्योंकि आधा थ नहीं है वहां पर। अथ योगानुशासनम, आधा म है, योगानुशासनम। तो पहले सूत्र को हम पढ़ेंगे, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। अभी आप सब म्यूट रहेंगे और मेरे पीछे 5 बार इसको दोहराएंगे, कोई भी म्यूट नहीं खोलेगा अपना, म्यूट रहकर ही आप सब अपने प्लेस पर रिपीट करिए, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बहुत सुंदर। ओके, जो भी एक वो पर्सन है जिन्होंने अनम्यूट करके रखा है, आप अनम्यूट ही रहिए, एक पर्सन वो मेरे साथ पीछे रिपीट करेंगे, बाकी आप सब म्यूट रहकर अपनी प्लेस पर उसे रिपीट करेंगे। सेकंड सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अगर आप ध्यान देंगे, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, निरोधः। आप अपने पास अगर पीडीएफ है हैंडी, उसमें मार्क करते जाइए और जैसे जैसे आप उसको ब्रेक करके पढ़ते जाएंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपको साथ साथ में उनका मीनिंग भी समझ में आ रहा है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। अभी मैं बोलूंगी, आप सब म्यूट रहकर रिपीट करेंगे, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, लास्ट टाइम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पहला सूत्र फिर से, अथ योगानुशासनम्। सेकंड, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। थर्ड सूत्र पे चलेंगे, तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। पहला शब्द बहुत इजी, तदा, सेकंड द्रष्टुः, तीसरा वर्ड है स्वरूप प्लस वो जो अवग्रह है वह अवस्थानम है। तो जब हमें अवग्रह का, वो जो स्वरूप के बाद अवग्रह दिखता है, उस वर्ड को हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, स्वरूपेव स्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। अभी आप सब रिपीट करेंगे, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। कोई एक अनम्यूट करेगा, कोई भी एक पर्सन अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, बोलिए, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, बोलिए, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः
स्वरूपे व स्थानम। बोलिए। तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम। बहुत सुंदर। फोर्थ सूत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। इसको हम ब्रेक करेंगे, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। फिर से, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। एक अनम्यूट होगा और वो मेरे साथ रिपीट करेंगे, बाकी सब दोहराएंगे तीन बार। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। एक और बार, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। बहुत सुंदर। तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपे व स्थानम्। वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। मित्ररत्र गलत, मितरत्र। मित्रत्र जी। चलिए फिफ्थ सूत्र देखेंगे, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः। पहला शब्द वृत्तयः, य के बाद विसर्ग है। वृत्तयः पंचतयः, दो य है, आधा य और उसके बाद पूरा य। पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। क्लिष्टा के बाद विसर्ग नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हाफ जो है उसका यहाँ पर हम देख सकते हैं विसर्ग है। तो वर्ड है क्लिष्टा क्लिष्टाः, पहले आ की मात्रा उसके बाद विसर्ग। वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। अभी एक अनम्यूट होंगे और मेरे पीछे तीन बार दोहराएंगे सूत्र, वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। बहुत सुंदर। फिर से एक एक वर्ड, वृत्तयः वृत्तयः पंचतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः क्लिष्टा क्लिष्टा। अब तीन बार पूरा सूत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। 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 बहुत सुंदर। सिक्स्थ, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अब ये वर्ड बड़ा है, इसको कोशिश करेंगे आप मार्क करते जाएंगे अपने पीडीएफ में। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। फिर से, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अपने आप योगदर्शन का जो आपका एक्सप्लेनेशन चालू है, उनमें से काफी सारे वर्ड्स तोड़ने के बाद आपको विद सीक्वेंस ही याद हो जाएंगे। तो ये वर्ड है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अनम्यूट होकर मेरे विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः।
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः बहुत सुंदर। सेवेंथ की तरफ चलेंगे। सेवेंथ है प्रत्यक्षानुमागम प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रणा प्रमाणानि। अब इसको भी हम अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ध्यान दीजिए प्रत्यक्ष आ की मात्रा वो जो संधि के रूल्स रहते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे। प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये है उसका बाइफर्केशन जो आप उसके डिटेल्स में पढ़ेंगे अपनी योग दर्शन की क्लास में। तो यह है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान आगम और यह है प्रमाणानि। तो इसको करेंगे प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि पूरा ध्यान सूत्र की तरफ पूरा ध्यान उनके अक्षर की तरफ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि जी। अभी जिसने भी चैंट किया उन्होंने कहा प्रत्यक्ष तो वो त पूरा नहीं है वो आधा है प्रत्यक्ष वो वर्ड जो है प्रत्यक्ष है प्रत्यय गलत है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि बहुत सुंदर प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि बहुत सुंदर। हम चलेंगे एट्थ सूत्र की तरफ विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मद मत ध्रुप प्रतिष्ठम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि रीजनली ज्ञानी जो वर्ड है उसको महाराष्ट्र प्रांत में अलग कहते हैं यूपी साइड और अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप पूछें तो वो ज्ञा ज प्लस य है तो ज्ञा होता है। तो यहाँ पर आप जो भी कंफर्टेबल है ज्ञानी बोलने में स्पेशली इस वर्ड के लिए मैं बोल रही हूँ तो मिथ्या ज्ञान बोलेंगे तो भी राइट मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान वो तीनों सही हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं आप उसको बोल सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने मिथ्या ज्ञान बोला तो आपको भी वही कहना है लेकिन एक्चुअल संस्कृत प्रोनाउंसिएशन उसका ज्य होता है। तो ये एड सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विपर्ययो विपर्ययो ये र का जो रेफ है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम ये हो जाता है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम हम चैंट कर रहे हैं हमको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो वो इजी हो जाएगा वर्ड्स हमारे लिए लेकिन आप मार्क करते जाइए मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम वो धीरे धीरे आपके फ्लो में आ जाएगा और बड़े बड़े वर्ड्स भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम बहुत सुंदर जिसने भी बोला। अब हम इसको फिर से स्लोली लेंगे विपर्ययो 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 मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान मत द्रुप मत द्रुप प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। ओके तीन बार विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम
प्रतिष्ठानम नहीं, प्रतिष्ठानम कहीं नहीं है, प्रतिष्ठम। हाँ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, बहुत सुंदर। नाइन्थ की तरफ चलते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञान अभी नहीं, अभी अभी आप उसको पहले मुझे समझा लेने दीजिए, फिर आप फिर से अनुपठन करिएगा। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति। बहुत सुंदर, फिर से एक वर्ड दोहराएंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति। हम एक एक वर्ड को टाइप करेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो वस्तु शून्यो विकल्पः विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द बहुत सुंदर। अभी म्यू रहेंगे और हम टेंथ सूत्र देखेंगे। अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति नित्रा, अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर निद्रा। यहाँ पर सेकंड शब्द में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। वृत्तिर, मैंने वृत्तिर क्यों कहा, क्योंकि न के ऊपर एक रेव जो दिख रहा है वह हमें वृत्ति के बाद बोलना है, तो वह है वृत्तिर निद्रा, वृत्तिर निद्रा। तो वह है अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्तिर निद्रा। ये हमने इसको ब्रेक करके कर दिया है, आप चाहें तो बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे, उससे आपको बहुत इजी होगा, अपने आप आपको योग सूत्र से रिलेटेड जो भी आंसर भी है वो अपने आप इसमें समझ में आते जाएंगे। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना। अभी आप देखेंगे, मैं तोड़ तोड़ के बोलूंगी और आप मेरे साथ उसके पीछे रिपीट करेंगे। अभाव प्रत्यया अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा, 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 प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। बहुत सुंदर। अभी शांत हो जाइए। अभी आप जो दो अनम्यूट पर हैं वो अनम्यूट रहेंगे,
मैं एक बार पूरे 1 to 10 दोहरा रही हूँ, सिंगल सिंगल वर्ड्स रीड करके, उसके बाद आप जो दोनों अनम्यूट पर हैं वो एक बार 1 to 5 और फिर 6 to 10 चलेंगे। समाधिपादः, पहला अथ योगानुशासनम्, दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, थर्ड तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, फोर्थ वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, एट विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रुप प्रतिष्ठम्, नाइन्थ शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, टेंथ लास्ट वन जो हमने किया, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। आया समझ में आपको सारे श्लोक सारे सूत्र? अभी आप जो दो अनम्यूट है मैं स्टार्ट बोलूंगी, ओम बोलूंगी और आप उसको नॉन स्टॉप स्लोली रीड करेंगे। ओम बहुत सुंदर। नहीं अच्छा है, अभी नेक्स्ट में पढ़ाने के पहले आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप मुझे बताएंगे वो क्या है। चलिए, अगर किसी को इसमें प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। आप में से किसी को अगर डिफिकल्टी है जी, आशीष भैया और कृष्ण भी। मैम ये एट्थ जो, एक मिनट पहले आशीष भैया को सुन लेते हैं। जी भैया जी। मैम ये जो एट्थ सूत्र है जी, इसमें विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप बोला आप, मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। अच्छा मतद्रूप जी, द द में एक आपको पद इन फॉर्म ऑफ र दिख रहा होगा, द्रूप और प्रतिष्ठम। मैम ये जो आपने बोला मिथ्या ज्ञानम मत द्रूप, तो माँ तो एक ही है मैम, दो बार क्यों बोल रहे हैं? मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। अच्छा, वो ज्ञाना करके फिर मत द्रूप प्रतिष्ठम हो रहा है जी। मत ये वो ज्ञान मत द्रूप ऐसा है मैम, ये ज्ञानम नहीं होगा ना मैम, एक्सक्यूज मी, ये ज्ञानम नहीं होगा ना, सिर्फ ज्ञान होगा सिर्फ, है ना मैम? ज्ञान उसके बाद मत, ओके मैम। फोर्थ वाला जी कंचन जी, कौन सा वाला? फोर्थ वाला श्लोक मैम, में से फोर्थ वाला। हाँ ओके, एक बार आप ट्राई करिए। विद्या स्वरूपे मित्रत्र, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, कैसे करूं? आप कौन सा वाला बोल रहे हो? फोर्थ श्लोक वृत्ति। हाँ वृत्ति मैम, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। ओके, तो आपने ट्राई करा इसको, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। आप बोलिए स्वरूपा, नहीं फिर से आप मेरे पीछे बोलिए, वृत्ति वृत्ति सारूप्य सारूप्य मित्र रत्र रत्र, वृत्ति सारूप्य वृत्ति सारूप्य मित्र
रत्र रत्र बहुत मित्र मितह रित्र जी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा वो फ्लो में अपने आप आ जाएगा जी। मैम एक बार सेवेंथ वाला देख लीजिए प्लीज, प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानु मान आगमह आगमह राइट जी, प्रत्यक्षानु मान प्रत्यक्षानु मान आगमह प्रमाणानी जी। अब आपने बोला एकदम सही जा रहे हो, अब एक बार ट्राई करिए बिना उसको डिवाइड करे, एक बार फ्लो में और बोलिए प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि नहीं प्रत्यक्ष, वो जो आप न में आ की मात्रा भी लगा रहे हैं और आगम भी बोल रहे हैं वो गलत है, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रत्यक्षानुमान अनुमानागमः नहीं right? वहां पर फिर से आप गलत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ना भी बोल रहे हैं और आगम भी बोल रहे हैं तो वहां पर ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा नुमाना नुमाना गमाह ओके ठीक है गमाह प्रमाणानि प्रत्यक्षा नुमाना गमाह प्रमाणानि परफेक्ट ओके मैम थैंक यू ओके मैम मुझे ना जी प्रतिमा जी प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि बहुत सुंदर। और किसी को कोई सूत्र में डिफिकल्टी? ओके तो फर्स्ट 10 आप रिवाइज करके रखिएगा, हम कल फिर से मिलेंगे और पैटर्न हमारा थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम सूत्र से और आपस में फैमिलियर होते जाएंगे, इसको मोनोटोनस नहीं रखते हुए आपका वो बोलते हैं ना सरप्राइज टेस्ट पेपर हमेशा चेंज होता रहेगा ताकि आपको सूत्रों से दोस्ती हो जाए, श्लोकों से दोस्ती हो जाए और आप उसको एंजॉय करें जी। मैम याद करना है बिना देखे? अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, राहुल सर तो बिल्कुल आपको यही कहेंगे कि आप याद कर लीजिए तो आप ही का फायदा है इसमें, तो कोशिश करिएगा अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी रीड जरूर करके रखिएगा, हम कल इसका एक फास्ट रिविजन लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलेंगे। चलिए एक एंडिंग प्रेयर लेंगे हम, ओम पूर्णमदः पीठ सीधी जी। पुष्पा दीदी आप कुछ बोल रही हैं? हाँ मैं आठवां श्लोक और एक बार मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा देखिए, और एक कंटेस्ट करना है ना सब श्लोक, कंटेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, कंटेस्ट करने के लिए राहुल सर ने बताए थे आप कंटेस्ट करने के लिए आपको ये सबको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुलाए जी। प्रत्यक्ष अनुमानागमनः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमाना प्रत्यक्षा अनुमाना नहीं आप उसको तोड़िए नहीं, आप जब सूत्र पूरा पढ़ रहे हैं तो पूरा लाइन में पढ़ेंगे उसको, आप अपने हिसाब से विच्छेद नहीं करेंगे okay. आप फिर से बोलिए प्रत्यक्षानुमाना प्रत्यक्षानुमाना गमाः गमाः प्रमाणानि बहुत सुंदर परफेक्ट प्रत्यक्ष अनुमाना गमाः प्रमाणानि परफेक्ट मैम धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी एकदम से, उसको एकदम वो मत लीजिएगा कि बहुत हार्ड है, वो धीरे धीरे आपके हो जाएंगे अपने अपने वो सूत्र की लाइंस। ओके ओके मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं जी। कुछ बोला आपने प्रतिमा दीदी? मैम बहुत अच्छा आप पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से याद कराती हैं आप सबका वो हो जाए। लग रहा था मैम लग रहा था कितने मतलब कितना आसान है सूत्र और हम कितना गलत में प्रोनाउंस कर रही थी, अब जाके फाइनली लगा कि ऐसे पढ़ना चाहिए। नहीं अभी आप बोल रहे हो ना, अभी तो आज सिर्फ आपने 10 लोगों से दोस्ती करी है, अभी पूरे 190 से दोस्ती हो जाएगी ना तो वो पूरे आपका फ्रेंड्स बन जाएंगे सूत्र सारे। मैम हमने तो कभी संस्कृत पढ़ा भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है सारी चीज। सिर्फ ये आज की क्लास तक रखना, कल बिल्कुल भूल जाना कि संस्कृत में हमको डिफिकल्टी थी है, कुछ नहीं सब भूल जाना, आज तक था ये भ्रम कल से मिट जाना चाहिए। मैम आपका वॉइस में इंटरेस्टिंग है, हमको कितना पढ़े तो भी अपना और थोड़ा सुनने के लिए मन चाहता है। अच्छा करेंगे करेंगे धीरे धीरे और एक्सटेंड करेंगे हम इसकी वो, लेकिन इसको जितना शॉर्ट और कॉम्पैक्ट रखेंगे
डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको खुद को चैंटिंग में बहुत मजा आएगा। हम एड ऑन करते रहेंगे, पैटर्न चेंज करते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं उसमें। चलिए फिर मिलेंगे हम कल और शांति प्रेयर लेंगे हम, शांति पाठ एक साथ सब पीठ रीड गर्दन सब सीधी रखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, कल मिलेंगे 1 बजे, टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गुड डे आपके लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम जी, हरि ओम मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम, वेलकम वेलकम, कल मिलेंगे। Oh, ma'am.